टाइगर श्रॉफ की गणपति इस मूवी का पहला पार्ट देखने के बाद में कि सच में किस तरह से गणपति के दूसरे पार्ट को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि यार पहले पार्ट को तो देर से ओवर हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन गणपति के दूसरे पार्ट को हमसे झेला नहीं जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्शन डायरेक्टर विकास बल ने किया था, जिनके नाम क्वीन और सुपर थर्टी जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड जमा है। जहाँ पे क्वीन और सुपर थर्टी जैसी फिल्में हमारे देश की मिट्टी से या हमारी सामाजिक तौर तरीकों से मेल खाती है, वहीं पे इस बार डायरेक्टर विकास बल गणपति इस मूवी के लिए एक अलग ही लाइन में चले गए हैं। शायद भारतीय कहानियों को हॉलीवुड स्टाइल में दिखाने का जबरदस्त कीड़ा काट गया होगा, और यही मेन वजह है कि फिल्म ऑडियंस के गले से थोड़ी भी उतरती नहीं है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ है, कृति सोनन है, और शायद ये उनकी दूसरी फिल्म है, लेकिन फिल्म में उनकी केमिस्ट्री में जो अपनापन दिखना चाहिए था वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। फिल्म गणपत को देखने की सिर्फ और सिर्फ बस एक ही वजह थी कि किस तरह से डायरेक्टर और निर्माता फिल्म में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचर कल्चर, नए नए युद्ध कौशल हमें हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार देखने को मिले हैं, लेकिन जब हिंदी सिनेमा कुछ अलग करने की सोचता है तो कहीं ना कहीं पे तो थोड़ी तो बात बिगड़ ही जाती है। एक काल्पनिक शहर सिल्वर सिटी में गरीबों में और अमीरों में बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है, शायद एक ऐसा सुपर हीरो जिससे सारे दर्शक कहीं ना कहीं पे तो जुड़ जाए, ऐसी सोच रखकर डायरेक्टर ने गणपति की दुनिया बना दी थी। ऐसा काल्पनिक शहर जहाँ के आम लोग फॉरेनर जैसे दिखते हैं और वहाँ के अमीर हिंदुस्तानी जैसे लगते हैं। गणपत के फिल्म मेकिंग का लगभग बजट 200 करोड़ का है, लेकिन फिल्म के अगर हर एक सीन को देखा जाए तो फिल्म उतना रिच फील नहीं देती है। इस फिल्म में वीएफएक्स या ग्राफिक जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं, उससे अच्छे तो ग्राफिक गेमिंग इंडस्ट्री के थर्ड क्लास गेम में भी देखने को मिलते हैं। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन की तो बात ही मत पूछो, जितनी कमियां निकाली जाए उतनी कम है। लगभग 3 साल पहले गणपति इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन जो हॉलीवुड स्टाइल भारतीय मिट्टी की फिल्म देखने की आज जगह थी वो पूरी तरह से बुझ गई है। मतलब बॉलीवुड वालों से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। गरीबों के नेता दलपति ने एक भविष्यवाणी की होती है, जब सामान्य लोगों की दुख दर्द की परिसीमा खत्म हो जाएगी तब उनका उद्धार करने के लिए अवतार जन्म लेंगे। डांस और पार्टी में झूमता हुआ गुड्डू का काम अपने बॉस के लिए सिर्फ बाहर की दुनिया से फाइटर लाना होता है। बाहर की दुनिया में जब गुड्डू पैर रखता है तो वहाँ की परिस्थिति देखकर ही उसकी जिंदगी बदल जाती है। वहाँ जब उसकी जस्सी से मुलाकात होती है तो वो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठता है, और जैसे हिंदी फिल्मों में चला आता है, हीरो गरीबों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म के काल्पनिक शहर में अलग अलग देशों के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन दर्शकों को समझ में आए इसलिए वो सिर्फ हिंदी भाषा में ही बोलते हैं। इसके ऊपर का कहर तो गुड्डू ने किया है, वो बुम्बईया भाषा में बोलता है, और इसके क्या कारण है ये ना पूछेंगे तो ही बेहतर होगा। अपने गरीब बस्ती के प्रति गुड्डू और जस्सी के नज़र में कहीं भी लगाव नहीं देखने को मिलता। दलपति के बेटे शिवा का भी जीवन काफ़ी रहस्यमय दिखाया गया है, शायद दूसरे पार्ट में उसको सही सही दिखाया जाएगा। फिल्म में इस्तेमाल की गई तकनीक फिल्म की कहानी से कहीं भी मैच नहीं होती है, और जैसे कि प्रेम कहानी इस तरह से दिखाई गई है कि जल्दी जल्दी में सब लोग इसे समेटने में लगे पड़े हैं। टाइगर श्रॉफ एक्शन के महारथी है, लेकिन अभिनय करते समय उनके चेहरे पर कोई भाव भावनाएं देखने को नहीं मिलती है। कृति सेनन को इस फिल्म में एक्शन करने का जरूर मौका मिला है, लेकिन इस फिल्म के लिए अभिनय के मामले में कृति बहुत ही कमजोर लगने लगी। मलयाली अभिनेता रशीन रहमत का काम भी बहुत ही बढ़िया रहा है। हीरो और विलन के एक दूसरे के आमने सामने एक भी संवाद देखने को नहीं मिलता है। एक खतरनाक विलन के कारण ही एक जबरदस्त हीरो जन्म लेता है। दलपति बने अमिताभ बच्चन का बाकी के कलाकारों के साथ में कोई भी ड्रामा बने ऐसा सीन फिल्म में देखने को नहीं मिला है। टाइगर श्रॉफ जो भी संवाद बोल रहे हैं वो खुद से ही बोल रहे ऐसा लगता है, और वो जब संवाद नहीं बोल रहे होते या तो वो डांस कर रहे होते या एक्शन कर रहे होते हैं। फिल्म का संगीत बहुत ही बेअसर साबित होता है। उनका फिल्म की कहानी से कुछ वास्ता है कि नहीं ये भी समझ में नहीं आता है। फिल्म दर्शकों को इतनी कंफ्यूज कर रही है कि शायद इस फिल्म के प्रति शायद ही कोई अच्छा सोच सकता है। गणपति मूवी का पहला पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई मूवी के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।